आंगनवाड़ी सेविका का प्रदर्शन आज सुबह से ही है। पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठी भी चार्ज की गई है, लेकिन सदन के अंदर आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज़ को उठाने के लिए सीपीआई माले के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सदन के बाहर, हाथों में पोस्टर बैनर को लेकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस तरह देखिए, ये माले के जो विधायक हैं वो हाथों में पोस्टर, हड़ताली आंगनबाड़ी कर्मियों की शीघ्र वार्ता करो और उसी मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बात है? हम लेफ्ट पार्टी यानी सीपीआई सीपीएम के तमाम विधायक आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो समस्या है, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों के समर्थन में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा में इस सवाल को भी उठाया जाएगा। हमारा कहना है कि ये महीनों से ये हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम समझते हैं कि उनकी मांगे जायज हैं और उनकी मांगों पर गंभीरता से सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए और उनकी मांगों को मान करके सरकार उनकी हड़ताल को तुरवावे। सीपीआई है? हम सीपीआई राम रतन सिंह सीपीआई के नेता है। बिल्कुल, देखिए हड़ताली आंगनबाड़ी का मांग पूरा करने की बात जो है वो की जा रही है, और एक तरफ जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के बाद आज जो सीपीआई के विधायक हैं वो सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? सदन में इसको उठाएंगे, सरकार से बात करेंगे, उसके बाद में फिर बताएंगे कि आगे का क्या हम लोगों का आंदोलन का तौर तरीका होगा। यदि इतने पर रोकने के लिए हम समर्थन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर तो लाठी भी चला है आज सुबह में। देखिए, ये तो हम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर सरकार के द्वारा दमनकारी जो कार्रवाई की जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है, ये निंदनीय है। ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये सरकार से मांग करती है जहाँ हमको प्रोत्साहन के बदले मान दे दिया जाए, हमको न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिलनी चाहिए, हमको अस्थायीकरण किया जाए, हमको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सेविका को एलएस में प्रोन्नति किया जाए, सहायिका को आंगनबाड़ी सेविका बनाया जाए, यही सारा चीज मांग है। और सेविका को 25,000 मानदेय और सहायिका को 18,000 मानदेय, यही तो मांग है उसका और जायज मांग है। सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए और उनके नेताओं से वार्ता करके उनकी हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। चलिए, तो इन लोगों की मांग है, अब सदन के बाहर है, अब देखना होगा कि सदन के अंदर क्या कुछ होता है। पुनीश पुनीशन के साथ नमस्कार।